जय जगन्नाथ बंधुगण, जीवन आलोक यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। जदि गणेश चतुर्थी रे गणेश मूर्ति किणिबा को आपण चाहुंथंती तेबे किछि कथा प्रति ध्यान देबा आवश्यक। एथि द्वारा पूजा विधि रे मंगल होइथाय ओ शुभ मना जाय। से सब कोन चलंतु आमे एही वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। आपण माने आज एही वीडियो रे जानिबे भगवान गणेश कर के मूर्ति अधिक फलदायक होइथाय, गणेश भगवान को मूर्ति केउ प्रकार होबा आवश्यक, गणेश भगवान को मूर्ति को शुंड केउ दिगरे रहिबा दरकार, आमको विभिन्न प्रकार गणेश मूर्ति देखिबा को मिलिथाय। ठिया होइथिबा गणेश, बसिथिबा गणेश, बाल गणेश, नाचुथिबा गणेश ओ बंशी बजाउथिबा गणेश मध्य आमको मूर्ति बजार रे देखिबा को मिले। ए सब अलग अलग मूर्ति सब अलग अलग महत्व रही। वास्तु अनुसार मूर्ति को केउ स्थान रे स्थापना करिबा आवश्यक, ए सब आम एही वीडियो माध्यम रे जानिबा। अनुरोध, वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। शास्त्र अनुसार भगवान गणेश को मूर्ति रे गोटिए हाथ रे मदक पात्र ओ आउ गोटिए हाथ आशीर्वाद देउथिबा भली रहिथिबा आवश्यक। मोदक हेउची भगवान श्री गणेशक प्रिय अटे। गणेशक जेउ हाथ रे मोदक बा लड्डू रही थाए भगवान गणेशकर शुंड से ही मद्रो पातक आड़क होइथिबा आवश्यक। यदि एपरी होइ न थाए तेबे से ही मूर्ति को अशुभ माना जाए। मूर्ति सहवाहन होबा आवश्यक, अर्थात भगवान गणेशक मूर्ति सहित तांको बाहन मूषक भी रहिबा आवश्यक। यदि मूर्ति रे तांको बाहन रहति तेबे एपरी मूर्ति को पूजा कले दोष लागिथाए बोली शास्त्र रे कुहा जायछि। गणेशक मथारे मुकुट रहिबा अति शुभ होइथाए। बिना मुकुट गणेश मूर्ति को घर को आनिबा अशुभ होइथाए। गणेश को बाल गणेश बोली कुहा जाय। तेणु मथारे तिलक ओ शुंडरे त्रिशूल चिन्ह रहिबा आवश्यक। जेउ मूर्तिर गणेश पाद तले लागिथाए से ही मूर्ति बहुत शुभ होइथाए। सिंदूर रगर गणेश को घरे रखिबा द्वारा बहुत शुभ मना जाए। कुआ जाए एभली मूर्ति घरे रहिबा द्वारा समस्तकर मनोकामना पूर्ण होइथाए। एबे जानिबा गणेश को शुंड विषय। भगवान श्री गणेश को मुख्य शक्ति तांको शुंड रे थाए। जेतेबेले आमे बाजार रु मूर्ति आनिबा को जाउ थाउ आमको देखिबा को मिले बाम पट शुंड ओ डाहाण पट शुंड रहिथिबा गणेश मूर्ति। किए कही थाए बाम पट शुंड मूर्ति शुभ होइथाए, तो आउ किए कही थाए डाहाण पट शुंड रहिथिबा मूर्ति शुभ होइथाए। आमे जानिबा आसो डाहाण पट शुंड थिबा गणेश विषय। डाहाण पट शुंड थिबा गणेश मूर्ति को सिद्धि विनायक गणेश बोली कहा जाए। एही मूर्तिर शुंड डाहाण पट रहिथिले याकु डाहाणमुखी गणेश दक्षिणमुखी गणेश बोली कहा जाए। एही मूर्ति को पूजा कले मनोकामना डेरी रे पूर्ण होइथाय। डाहाणमुखी गणेश गुणी गारेडी तंत्र मंत्र साधना करथुबा व्यक्ति मानक पई फलप्रद मिलिथाय। एभली मूर्ति को मंदिर रे हेबा दरकार, कारण एही मूर्तिर पूजा बहुत कठिन होइथाय। चालन देखिबा बाम पट शुंड थिबा गणेश विषय। जेउ मूर्तिर शुंड बाम पटे रहिथाय एपरी गणेश को बाममुखी गणेश कुआ जाए। बाम पट चंद्र रही था तेणु शीतलता दे थाए। एपरी मूर्ति को घरे पूजा करा जाए। एही मूर्ति को पूजा करिबा द्वारा घर सुख शांति बजाय रही थाए। घर को विघ्न आसे ना, घरे धन संपत्तिर उन्नत होइथाए। घरे जदि आमे भगवान गणेश को मूर्ति को स्थापना करिबा ऐशान्य कोण रे तेबे एथि द्वारा शुभ होइथाए, मनोबांछा पूरण होइथाए। आमे बाहरे मंडप रे यदि भगवान गणेशक मूर्ति को स्थापना करिबा तेबे किछि गुरुत्वपूर्ण कथा उपरे आमे ध्यान देबा को आवश्यक। प्रथम कथाटी होची स्थानटी स्वच्छ परिष्कार हेबा आवश्यक, आख पाखरे अपरिष्कार रहिबा उचित नहि। द्वितीय रे गणेश भगवान को मूर्तिर मुह पूर्व दिग को हेबा आवश्यक। भगवान श्री गणेशक कृपा लाभ होइथाय। भारत वर्षरे 11 दिन पर्यंत गणेश भगवान मूर्ति को पूजा करा जाय ओ शेषरे पानी रे विसर्जन करा जाय। एही परी रीतिनीति रे आमे
गणेश भगवान को पूजा अर्चना करने द्वारा आमर पूजा सफल होता है, भगवान को कृपा लाभ होता है। वीडियो माध्यम रे कुआ जाय थिबा गणेश चतुर्थी रो नीति नियम आगरु जानिथिले कि नाही ता कमेंट माध्यम रे निश्चय जणंतु। ओम नमो गणेशाय कमेंट रे निश्चय लेखंतु एवं गणेश भगवान को कृपा लाभ करंतु। आमर ही जीवन आलोक यूट्यूब चैनल माध्यम रे प्रसार कर जायथिबा वीडियो टी आपण मानको केते दूर मनसु आइ परछि आपण निश्चय कमेंट रे लेखंतु। फेर देखा हबो आउ गोटे नुआ वीडियो सहित। जय जगन्नाथ।